नमस्कार, गिल्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं जसप्रीत। प्रदेश के शिक्षा कर्मी भी अब किसानों की राह पर चलकर आंदोलन करने दिल्ली रवाना हो चुके हैं। प्रदेश के कई शिक्षा कर्मी दिल्ली के जंतर मंतर में आंदोलन करने आज राजधानी से दिल्ली रवाना हुए। सिविलियन लाइन जैसी मूल मांगों को लेकर शिक्षा कर्मी संघ के सदस्य अब दिल्ली के जंतर मंतर जाकर आंदोलन करने रवाना हो रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के नेतृत्व में हजारों की संख्या में शिक्षा कर्मियों का ये दल अलग अलग ट्रेन से दिल्ली की ओर रवाना हो रहा है। ये शिक्षा कर्मी 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के दिन जंतर मंतर पर धरना देंगे, ताकि राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी ये एहसास हो सके कि आखिर पिछले 22 सालों से शिक्षा कर्मी चाहते क्या है। इससे पहले भी शिक्षा कर्मी छत्तीसगढ़ में लंबे लंबे हड़ताल कर चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार ने कभी उनकी मांगों को वैसे तवज्जो नहीं दी जैसा वो चाहते थे, और यही कारण है कि आज 22 साल के बाद भी सिविलियन लाइन जैसे उनकी प्रमुख मांग पर गंभीरता पूर्वक विचार ही नहीं किया गया। इसलिए अब शिक्षा कर्मी संघ ने प्रदेश के साथ साथ केंद्र को भी अपनी मांग से अवगत कराने का फैसला किया है। इसलिए एक तरफ जहां प्रदेश में शिक्षक दिवस के दिन शिक्षा कर्मी शिक्षक सम्मान का विरोध करेंगे, वहीं दूसरी तरफ हजारों की संख्या में शिक्षा कर्मी जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली जाने से पहले शिक्षा कर्मी विकास राजपूत ने क्या कहा, आप भी सुने। 1,80,000 शिक्षक पंचायत संवर्ग के स्कूल शिक्षा विभाग में सम्मिलन की मांग को लेकर नवीन शिक्षक कर्मी संघ के आह्वान पर आज हम 5 सितंबर शिक्षक दिवस को धरना प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर मैदान जा रहे हैं। कितने संगठन इसमें समर्थन दे रहे हैं आपको? प्रदेश के लगभग सक्रिय छत्तीसगढ़ शिक्षा कर्मी संघ, एकता मंच और अन्य संगठनों ने समर्थन किया है, और हम जो संगठन अभी हमारा समर्थन नहीं किया है इससे भी अपील करते हैं कि 1,80,000 शिक्षक पंचायत संवर्ग के हित में साथ दीजिए। क्या 1,80,000 शिक्षा कर्मी आपके साथ जा रहे हैं हड़ताल में? निश्चित रूप से जो हमारे साथ सैकड़ों की संख्या में साथी जा रहे हैं वो 1,80,000 शिक्षा कर्मियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और जो नहीं जा रहे हैं वो प्रत्येक जिला में शिक्षक क्रांति के रूप में धरना प्रदर्शन कर हमारा सहयोग करेंगे। आगे आप लोगों की क्या रणनीति होगी? आगे हम 5 सितंबर को सभी संगठन एक साथ बैठकर एक साथ निर्णय लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन की घोषणा करेंगे। कब से संभावित है? संभावित अक्टूबर से नवंबर के बीच। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरह प्रदेश के 1,50,000 से अधिक शिक्षा कर्मियों के हित में आंदोलन करने बड़ी संख्या में शिक्षा कर्मियों का दल दिल्ली रवाना हो रहा है। फिलहाल शिक्षा कर्मियों की मांगे सरकार मानती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। खबरें अभी और भी हैं, ताजा अपडेट के लिए बने रहिए glibz.in के साथ। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.glibz.in।